हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपका चैप्टर नंबर 4, जिसका काफ़ी इंतज़ार बहुत लोगों को था कि दीदी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 का वीडियो लेके आइए, क्यों इतना समय लगा रही हैं। देखो, मैंने पहले ही बताया ज्योग्राफी के वीडियो में कि थोड़ा सा बिजी हो गई हूँ, इसलिए थोड़ा सा वीडियोज़ के साथ डिले हो रहा है। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट जब भी मौका मिलता है, जब भी मूड बनता है, तो मैं वीडियो बनाती ज़रूर हूँ। तो आज शुरुआत कर देते हैं इस चैप्टर का, और कोशिश करूंगी कि कम से कम हर 2 दिन में या 3 दिन में तो वीडियो आ ही जाए भाई, क्योंकि भाई हमको भी पता है आप लोगों का एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, सिलेक्शन का एग्ज़ाम आ रहा है, बहुत प्रॉब्लम्स होता है। इधर उधर का थोड़ा बहुत साउंड अगर सुनाई देता है तो अवॉइड करना, अर्जुन की तरफ फोकस रखना और यहाँ पर मेरी बातों को सुनना। देखो बेटा, तुम लोग सबको ही जानते हो कि दीदी 1600s का समय था, तब जो इंग्लैंड की रानी थी, इंग्लैंड की रानी का नाम था क्वीन एलिजाबेथ। तुम लोगों को पता है अगर तुम लोगों ने चैप्टर 5 का वीडियो देखा है तो। 1600s का समय था, इंग्लैंड की रानी थी क्वीन एलिजाबेथ। क्वीन एलिजाबेथ के पास कुछ लोग जाते हैं और कहते हैं कि मैडम, हमें ना इंडिया जैसी कंट्रीज में जाके बिजनेस करना है। क्या कहते हैं? कहते हैं कि मैडम, हमें इंडिया जैसी कंट्रीज में जाकर बिजनेस करना है, तो आप बस हमें परमिशन दे दीजिए। क्वीन एलिजाबेथ ने कहा कि परमिशन तो दे दूंगी, बट मुझे क्या मिलने वाला है। तो इन लोगों ने कहा कि देखिए, जो भी हम पैसा कमाएंगे इंडिया जैसी कंट्रीज से, हम उसमें से कुछ अमाउंट आपको भी दे देंगे। इन्होंने कहा वेल एंड गुड, जाओ जाकर इंडिया जैसी कंट्रीज में बिजनेस करो, ट्रेड करो। और इनके ग्रुप को बोल दिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और दीदी यहां जो इंग्लैंड में बैठी थी वो क्या थी? वो था ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश गवर्नमेंट। क्या बताना चाहती हैं आप? मैं ये बताना चाहती हूं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया के अंदर बिजनेस करने आया था बेटा। जितने टॉर्चर्स अभी तक तुम सुनते आए हो वो कंपनी ने किए थे, लेकिन ब्रिटिश सरकार तो इंग्लैंड में बैठा था। तो यानी दीदी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आकर बिजनेस कर रहा था, इंडिया में आतंक मचा रखा था, और जो ब्रिटिश सरकार है वो इंग्लैंड में बैठी थी। यानी कि ब्रिटिश सरकार टॉप लेवल पे है और उसके नीचे कंपनी आती है। कंपनी इंडिया में आकर बिजनेस कर रही थी, सरकार तो इंग्लैंड में बैठा था, ये प्लीज याद रखो। ठीक है बेटा, ये बताना जरूरी इसलिए था क्योंकि ये पूरा रिवोल्ट जो तुम पढ़ोगे, ये कंपनी के किए गए अत्याचारों के कारण हुआ था। देखेंगे क्या बोलना चाहती है दीदी, अभी थोड़ा बहुत क्लियर नहीं हो रहा। लेकिन ब्रिटिश सरकार बाद में पिक्चर में आएगा, लेकिन पहले तुम डिफरेंस तो जान लो। ये तो जान लो कि कंपनी इंडिया में बिजनेस कर रही थी, कंपनी लोगों को लूट रही थी, कंपनी लोगों को तड़पा रही थी, गवर्नमेंट तो इंग्लैंड में बैठा था। आ समझ में आया? सो दीदी, शुरुआत कर दीजिए इस चैप्टर के साथ, आपने क्या लिखा है ये बातों को थोड़ा क्लियर कीजिए। बेटा, तुमने चैप्टर 3 के अंदर पढ़ा है कि किस प्रकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे आदिवासियों को, हमारे फार्मर्स को तंग किया था। तो तुम्हारा बुक एक इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है, उस इंफॉर्मेशन को याद रखो। तुम्हारा बुक कहता है कि 1757 से लेकर 1857 तक, यानी इन 100 सालों में तकरीबन 54 टाइम्स इंडियंस ने आवाज़ उठाया। क्या दीदी? 1757 से लेके 1857 तक इंडियंस ने तकरीबन 54 टाइम्स आवाज उठाए, लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन आवाजों को दबा दिया। कैसे? तुम मुझे बताओ, अगर कुछ 10 जन मिल करके आवाज उठाए कि नहीं नहीं कंपनी गलत है, कंपनी गलत है, तो क्या उस बात का कोई इंपॉर्टेंस रह जाता है? नहीं दीदी। क्या वो बात बहुत ज्यादा फोर्सफुल हो सकता है? नहीं। मतलब मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मान लो कि तुम लोगों की टीचर्स ने कुछ पढ़ाया, तुम लोगों को समझ में नहीं आया, तो अगर एक स्टूडेंट उंगली खड़ा करके बोले कि मैम मुझे समझ में नहीं आया, उसे थोड़ा हिचकिचाहट होगा।
और मे बी टीचर उसे इग्नोर भी कर दे। लेकिन अगर पूरा क्लास खड़ा होकर बोले मैम वी कुड नॉट अंडरस्टैंड दिस, तो टीचर को दोबारा रिपीट करना ही पड़ेगा। उसी तरीके से अगर कुछ चंद लोग मिल करके आवाज़ उठाते हैं कि अंग्रेज़ गलत है, अंग्रेज़ ऐसे हैं वैसे हैं, तो उनकी बात को दबाना आसान है, आराम से उनकी बातों को दबाया जा सकता है। और अंग्रेज़ों ने यही किया। भले ही 1757 से लेकर के 1857 तक 100 सालों में 54 टाइम्स इंडियंस ने आवाज़ उठाया, लेकिन चूंकि कुछ चंद लोग मिलकर आवाज़ उठा रहे थे, क्योंकि ये लोकल था, लोकल मतलब कुछ चंद लोग मिलकर आवाज़ उठा रहे हैं, अंग्रेज़ों ने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन आवाज़ों को दबा दिया कि चल 10 जन मिलकर क्या आवाज़ उठा लेंगे, क्या हमारा उखाड़ लेंगे। सो क्वेश्चन आता है कि 1757 से लेकर 1857 तक इतनी बार इंडियंस ने आवाज़ उठाया, तो अंग्रेज़ों ने उन्हें दबा कैसे दिया? जस्ट बिकॉज दीदी कुछ चंद लोग मिलकर आवाज़ उठा रहे थे, कुछ लोग मिलकर आवाज़ उठा रहे थे, और अंग्रेज़ों ने सोचा कि 10-12 जन मिलकर आवाज़ उठाएंगे, फर्क ही क्या पड़ना है। बात समझ में आ रहा है? सो सिंस ऑल दिस रिवोल्ट्स वर लोकल इन नेचर, इट वॉज ईजियर फॉर द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी टू सप्रेस देम, उनको दबाना आसान पड़ गया। लेकिन बेटा 1857 में कुछ ऐसा होता है इंडिया के इतिहास में जिसको अंग्रेज दबाने में बहुत मशक्कत कर बैठते हैं। मतलब दीदी, मतलब 1857 में एक ऐसा जंग छिड़ता है, एक ऐसा रिवोल्ट होता है जो अंग्रेज़ों के दिल में एक डर पैदा कर दिया था कि भैया इंडियंस को जितना भोला समझा था उतना भोले नहीं है वो। तो क्या था दीदी? लेकिन बेटा मेरा एक बात समझो, जब भी तुम कोई रिवोल्ट डिस्कस करते हो और अगर तुम उसके पीछे का कारण नहीं जानते, तुम जानते हो कि दीदी 1857 में बहुत बड़ा रिवोल्ट हुआ था, बट इफ़ यू डू नॉट नो द रीज़न बिहाइंड इट कि क्यों, आखिर इंडियंस को क्यों आवाज़ उठाना पड़ गया, आखिर इंडियंस के साथ ऐसा क्या हो रहा था दीदी कि उनको इतना बड़ा रिवोल्ट खड़ा करना पड़ा, जब तक तुम ये ना समझो, जब तक तुम ये फील ना करो, तब तक तुम्हें इस चैप्टर का इम्पोर्टेंस समझ में नहीं आएगा। तो दीदी आप हमें समझाइए कि क्या रीज़न था कि ये रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ, वॉट वर द रीजन्स, वॉट वर द कॉजेज दैट लेड टू द रिवोल्ट ऑफ 1857 के इस महान, बहुत भयंकर लड़ाई के पीछे का कारण क्या था, समझते हैं। अब देखो मेरा बात एक सुनना बेटा, जब भी कोई रिवोल्ट होता है तो वो किसी एक कारण के लिए नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि अंग्रेजों ने मुझे एक बार मुझे टॉर्चर किया और मैं आवाज उठाने लग गई। नहीं, हमेशा हमारी मम्मी हमेशा सिखाती थी कि एक घड़ा होता है पाप का घड़ा, जब भर जाता है, जब तुम पाप गलतियां करते रहते हो और वो घड़ा भर जाता है तो वो फूटता है। उसी तरीके से लगातार हो रहे टॉर्चर को सहते 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 अब इंडियंस ने कहा बस भाई अब हम नहीं सहेंगे। तो याद रखना, रिवोल्ट ऑफ 1857 के पीछे का कारण सिर्फ एक कारण नहीं हो सकता। सिर्फ एक कारण बता देने से ये नहीं कह सकते कि दीदी इतना बड़ा रिवोल्ट हो गया। मल्टीपल कारण हैं जिसके कारण इतना बड़ा रिवोल्ट हुआ था। दीदी आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर ऐसा क्या था, ऐसा क्या हुआ था इंडियंस के साथ कि उन्होंने इतना बड़ा लड़ाई किया, इतने बड़े रिवोल्ट ऑफ 1857 का नाम यूं ही हमारे हिस्ट्री के बुक्स में नहीं गूंजता। वो सच में बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको फील करो, इंडिया का बहुत अच्छा हिस्ट्री है वो, उसे फील करते हैं, डिस्कस करते हैं कॉजेस को। चलो बेटा कॉजेस, तो चलो बेटा डिस्कस करते हैं कॉजेस को। कॉजेस में मैंने कॉजेस को कुछ क्राइटेरियाज में डिवाइड किया है। पॉलिटिकल कॉजेस, क्योंकि पॉलिटिकल कॉजेस का मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ऐसे ऐसे पॉलिसीज लाए थे, ऐसे ऐसे ज़बरदस्ती के अग्रीमेंट्स हमारे ऊपर थोपे थे जिन्होंने हमारा जीना हराम कर दिया था। जानबूझकर ऐसे अग्रेसिव पॉलिसीज इंप्लीमेंट किए गए जिन्होंने इंडियंस के
नाक में दम कर दिया। दीदी दो एग्जांपल्स दीजिए हमें, तभी फील होगा। आ जाओ सबसे असली और सबसे बेहतरीन एग्जांपल के पास। सब्सिडियरी अलायंस, ये एक पॉलिसी का नाम है जो अंग्रेजों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लेकर आई थी। कौन से गवर्नर जनरल? लॉर्ड वेलेस्ली। दीदी काफी नाम सुना है उनका? यस, बहुत ही बार सुनते हैं हम ये। सब्सिडियरी अलायंस कौन लेकर आया? लॉर्ड वेलेस्ली। कब लेकर आए? 1798। सब्सिडियरी अलायंस जिसको लेकर आए लॉर्ड वेलेस्ली 1798 में, क्या था बेटा ये? जरा आ जाओ देखते हैं। देखो इस पॉलिसी के तहत क्या बुड़बक बनाया था। ये देखो, ये एक राज है, किंगडम, इसमें एक राजा है। राजा को इस पॉलिसी के तहत कहा गया कि राजा जी आप इस पॉलिसी में साइन कर दीजिए। राजा ने कहा क्या इस पॉलिसी में, बताइए। तो इन्होंने कहा कि इस पॉलिसी में है कुछ भी नहीं, आप अपना सैनिक मत रखिएगा, आप अपने प्रोटेक्शन के लिए अपना सैनिक मत रखिएगा। राजा बोले लेके जाओ, ये कैसा पॉलिसी है? अगर मैं अपने प्रोटेक्शन के लिए अपना सैनिक ही ना रखूं तो मुझे प्रोटेक्ट कौन करेगा? तुम प्रोटेक्ट करोगे मुझे? इन लोगों ने कहा बिल्कुल, आपने सही गेस कैसे कर लिया, हम आपको प्रोटेक्शन देंगे, आप अपने दरबार में, अपने राज में, अपने किंगडम में अपना सोल्जर्स मत रखिए, हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपना ब्रिटिश आर्मी आपके प्रोटेक्शन के लिए रखेंगे। बट देखिए संसार में कुछ फ्री में नहीं होता है, आपका हेल्प तो हम लोग कर रहे हैं, अपना आर्मी रख देंगे भैया, उसके बदले में आप थोड़ा पेमेंट दे दीजिएगा, टाका पैसा दिए देवे। दीदी मतलब फिर से बता दीजिए, राजा को बोला गया अपने प्रोटेक्शन के लिए खुद का सोल्जर्स मत रखो, नो नो, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का ब्रिटिश आर्मी उसके प्रोटेक्शन के लिए खड़ा रहेगा। अच्छा दीदी ओके, क्या बस इतनी बातें कही गई? नहीं, एक और बात सुनो, अगर इस राजा का मन होता है वो अपने एनिमी के ऊपर अटैक करवाना चाहता है, बिना ब्रिटिश आर्मी के एजेंट से पूछे नहीं करा सकता। मतलब दीदी ये आप बोलना चाहती हैं कि एक राजा पहली बात तो अपने राज में खुद का सोल्जर्स ना रख के अंग्रेजों का दिया हुआ सोल्जर्स रखेगा, दूसरी बात अगर ये राजा अपने एनिमी के ऊपर अटैक करवाना चाहता है तो अपने सैनिकों को, जो ब्रिटिश आर्मी का सैनिक है, उसको आदेश नहीं दे सकता, इसको पहले परमिशन मांगना होगा। किससे दीदी, किससे परमिशन मांगेगा? परमिशन मांगेगा इस आर्मी का हेड ऑफिसर से। क्या परमिशन? कि भैया मुझे ना अपने एनिमी के ऊपर अटैक कराना है, आपका आर्मी को लेके जाऊं। अच्छा दीदी ये बात है। तीसरी बात, इसके साथ एक और बात कहा गया कि आपका जब इम्पॉर्टेंट बातचीत होता है अपने मंत्री लोगों के साथ बैठ के, आप इम्पॉर्टेंट जब बातचीत करेंगे, वार्तालाप करेंगे, उस समय उस बातचीत के दौरान हमारा एक एजेंट, हमारा एक आदमी अंग्रेज आपके दरबार में बैठ के आपकी बातों को सुनेगा, कुछ बोलेगा नहीं, ही विल से नथिंग, ही विल ओनली हियर। तो बेटा और भी बातें बोली गई थी, तुम्हारे कोर्स के हिसाब से इतना ही याद रखो दीदी। नंबर वन, सब्सिडियरी अलायंस पॉलिसी में कहा गया कि राजा खुद का सैनिक ना रखे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपना ब्रिटिश आर्मी उसके प्रोटेक्शन के लिए देगा, इसके बदले वो थोड़ा सा पैसा लेगा। एक और पॉइंट ले लो इसी के साथ साथ जो मैंने नहीं बताया, अगर तुम पैसा चुकाने से चूक गए, अगर तुम पैसा नहीं देते, फीस क्लियर नहीं कर पाते, तो तुम्हारा राज आधा छीन लिया जाएगा। तुमने दिया भैया किंगडम, ठीक है ब्रिटिश आर्मी रखवा लिया, लेकिन तुमने पेमेंट अगर करने से चूक गए तो आधा राज तुम्हारा भोग में चला गया अंग्रेजों के पास। सेकंड बात सुनो, राजा को कहा गया कि अगर आपको अपने एनिमी के ऊपर अटैक कराना है, आप बिना ब्रिटिश आर्मी के हेड ऑफिसर से पूछे अटैक नहीं करवा सकते। थर्ड बात, आप लोग का जब बैठ के इंपॉर्टेंट बातचीत होगा ना मंत्रियों के बीच में,
उस समय हमारा एक अंग्रेजी आदमी भी आपके दरबार में बैठेगा आपकी सारी बातों को सुनने के लिए, लेकिन आपसे कभी भी कुछ बोलेगा नहीं, सिर्फ सुनेगा, कुछ बोलेगा नहीं। अब तुम्हारे दिल में एक बात आना चाहिए कि दीदी कोई भी राजा इसको साइन ही क्यों करेगा, इस इतना क्या मजबूरी आन पड़ा कि वो अपना आर्मी ना रख के अंग्रेजों का आर्मी रखवा के ये सब झमेला को सहेगा। तो देखो, जो थोड़ा बहुत हिस्ट्री जानते हो, तुम लोग जानते हो बैटल ऑफ बक्सर हुआ था, बैटल ऑफ प्लासी हुआ था, दोनों बैटल्स में अंग्रेज जीते थे। तो सभी राजाओं के माइंड में ये एक मिसकंसेप्शन बैठ गया था कि ज़रूर ये अंग्रेजी जो आर्मी है ये बहुत पावरफुल है, तभी तो ये दो बैटल्स लगातार जीती। पावरफुल है बिल्कुल, तो अगर उनका प्रोटेक्शन मिल जाए तो हमें चाहिए ही क्या। तो राजाओं को ये लगता था कि ब्रिटिश आर्मी ने बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर में जीता है तो ज़रूरी वो लोग बहुत पावरफुल होंगे, और अगर उनका प्रोटेक्शन हमें मिल जाए हमें चाहिए क्या। और इसलिए कई राजाओं ने सिग्नेचर कर दिया, कईयों को तो फोर्सफुली साइन करने के लिए कहा गया। इसका क्लासिक एग्जाम्पल है कि अवध, अवध में जो रूलर थे, जो नवाब थे, उन्होंने इसी सब्सिडरी अलायंस में, अलायंस वाले पॉलिसी पे साइन किया था, लेकिन बेचारे पेमेंट नहीं कर पाए और उनका आधा राज अंग्रेजों ने छीन लिया था सब्सिडरी अलायंस के पॉलिसी के हिसाब से। गॉट इट एवरीबॉडी? तो बेटा सब्सिडरी अलायंस कौन लेके आया? दीदी लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली कौन से साल में लेके आए? 1798। क्या बोला गया इस पॉलिसी के तहत? कि राजा खुद का सोल्जर ना रखे, अंग्रेजी लोग जो है, अंग्रेजी आर्मी वो अपना सोल्जर रखवा देगी राजा के प्रोटेक्शन के लिए, इसके लिए थोड़ा सा फीस चार्ज करेगी। सेकेंड बात, राजा अगर अपने एनिमी पर अटैक करवाना चाहता है बिना ब्रिटिश आर्मी के हेड ऑफिसर से पूछे, नहीं करवा सकता अटैक। नंबर थर्ड, दरबार में जब इम्पोर्टेंट बातचीत चले मंत्री और राजा के बीच में, उस दौरान एक अंग्रेज वहां पे बैठा होगा बातों को सुनने के लिए, कुछ कहने के लिए नहीं। आ जाओ बेटा सेकेंड पॉइंट पे। ये तो पहला पॉलिसी है जो दीदी, पहले पॉलिसी पढ़ के ही समझ में आ गया कि ये कैसा रणनीति था, कैसा इन लोगों का सोच था हड़पने का, क्या नया तरीका है ना। सेकेंड पे आ जाओ। सेकेंड इज नोन एज, यस, वेरी फेमस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। कौन लेकर आया था इसे? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी कौन से साल में दीदी? 1847। ओ माय गॉड, 1857 के रिवोल्ट के बारे में चर्चा हो रहा और उसके 10 साल पहले ये पॉलिसी आया। बिल्कुल, क्या था ये पॉलिसी? तुम लोग सब जानते हो इसके बारे में। क्या दीदी? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी के तहत बोला गया कि अगर एक किंग है एंड किंग का खुद का बेटा नहीं है, तो उस किंग के मौत के बाद पूरा राज अंग्रेज छीन लेंगे। फिर से दीदी, फील नहीं आया? सुनो, एक राजा है, एक राजा है, राजा का खुद का बेटा नहीं है, अगर बेटी है या नहीं है फर्क नहीं पड़ता, अगर खुद का बेटा नहीं है तो हम भैया तुम्हारा किंगडम तुम्हारे मरने के बाद छीन लेंगे। ये था ये पॉलिसी। क्या था ये, कब, कौन, मतलब दीदी एक दो एग्जांपल दे दीजिए। तो बेटा सुनो, संबलपुर 1850 में छीना जा चुका इसी पॉलिसी को लगाते हुए। उदयपुर कब दीदी? 1852 में छीना जा चुका। झांसी, ओ माय गॉड दीदी, झांसी, आप उसी झांसी के बारे में बात कर रही हैं जो रानी लक्ष्मी बाई से रिलेटेड है? बिल्कुल बेटा, मैं उसी रानी लक्ष्मी बाई का बात कर रही हूँ, उसी झांसी की बात कर रही हूँ। झांसी जो तुमने रानी लक्ष्मी बाई के बारे में सुना है, वो इसी रिवोल्ट से लेना देना था उनका, हम देखेंगे कैसे, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई का लेना देना रिवोल्ट ऑफ 1857 से ही था, क्योंकि उनका झांसी छीना जा चुका था। क्या कह के? कि उनका खुद का बेटा नहीं है। किस ईयर में हुआ था दीदी ये? 1854 में। बेटा आप समझ में आ रहा है?
तो दीदी ये दो पॉलिसीज पढ़ते ही समझ में आता है कि अंग्रेजों ने किस तरीके से हमें बर्बाद करने की कोशिश करी है, हर समय हर वक्त। सही हो बिल्कुल बेटा तुम, अंग्रेजों ने हमेशा ही हमें दबाया है। देख लो ना, देख लो तुम सब्सिडरी अलायंस पॉलिसी को जो लॉर्ड वेलेस्ली लेकर आया था, देख लो तुम डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी जो लॉर्ड डलहौजी लेकर आया था कि राजा का खुद का बेटा नहीं है तो राज हम छीन लेंगे। व्हाट काइंड ऑफ नॉनसेंस इज दैट? एंड ऐसा नहीं कि यू नो बहुत ही प्यार स्वभाव से साइन करवा रहे हैं, सिग्नेचर करा रहे हैं कि ये अग्रीमेंट में आप साइन कर लो। ज़बरदस्ती बहुत ज़्यादा फोर्स लगा कर साइन कराया जाता था, फोर्सफुली उन लोगों को बोलता था नहीं नहीं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी लगा दिया हम लोगों ने, निकलो, हो गया राज हमारा। ये क्या तरीका था, मतलब हाउ इन ह्यूमन कैन वन बी, ये हमें पता चलता है। चलो बेटा आज तो इतना ही रहने देते हैं, आगे वाले पार्ट में हम कॉजेस को पूरा जो जितना बचा है उसको डिस्कस कर लेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।